बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने घरों में शाद रबाद रखे, अपने खानों में रिज़्क़ में बरकत फरमाए। आज हम लोग करेले के बीज की भुजिया बना रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। जो सख्त बीज हैं, इस तरह से हम उनको निकाल रहे हैं। जो इस तरह से नरम बीज हैं, उनको हम इस तरह से बर्तन में डाल कर उनको अच्छे से हम कूट लेंगे। बिल्कुल इसका मैदा जो है वो तैयार कर लेंगे, इसको अच्छे से कूट कर। इस तरह से हमें इनको कूट लेना है। ये करेले के जो बीज हैं, इनको हमने कूट के बारीक कर लिया, बिल्कुल ये बारीक हो गए हैं। अब हमने चिकन लिया, इसके हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इसको कटिंग करके बिल्कुल छोटे छोटे हमने पीसेस कर लेने हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले के बीज में थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा मकदार में जाता है, इसमें थोड़ा सा जो ऑयल है वो ज़्यादा शामिल करेंगे। इसको जो है हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे। और इसमें प्याज शामिल कर देंगे। लहसुन की हमने कटाई कर लेनी है। जो है हमारा सोखी होते जा रहा है। लहसुन की जो है हमने कटाई कर ली है। इस तरह से लहसुन की हमने कटाई कर ली है। चिकन के जो हमने पीसेस हैं, ये देखिए इसमें छोटे छोटे करके तैयार कर लिए हैं। ये सारे हम इसमें छोटे छोटे काटे हैं। अगर हमने लेमन लिया वो इसमें हमने जोड़ेंगे। अब हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। जिसमें लहसुन हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया, हम एक तरह से कलर जो है इसको देना प्याज और लहसुन को। अब इसमें हम बीज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्दी से हल्दी शामिल कर देंगे। मैं सब सालन में जो है हल्दी से हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। हमने हल्का इसमें शामिल कर दिया हल्दी को। अब हम इसको भूनते जा रहे हैं। इस तरह से कलर आ चुका है, लेकिन हमने इनकी जो बनाई है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। अभी सिर्फ हमने इसमें हल्दी शामिल की है और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की। हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश धनिया, सुरख मिर्च, अभी तक हमने पानी का छींटा नहीं लगाया, वैसे इसकी सफाई करते जा रहे हैं। अब हम इसमें लेमन निचोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेले के जो बीज हैं, इसी तरह से झटपट में जो है वो तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप लोग चिकन या कीमे में इसको बनाएं तो क्या ही बात है। हमने आज चिकन में बनाए हैं। पानी भी आपको बहुत कम निकल रहा है।
उनके इस तरह से तैयार कर ली गए। अब इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे। अब हमने गरम मसाला हमने डाल दिया है, अब ढक्कन लगा देंगे हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन उठाते हैं, चेक कर लेते हैं, और अब हम कर लेते हैं सर्विंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर्विंग कर ली है। करेले के बीज और चिकन जो है हमारी तैयार हो चुकी है, देखने से कितनी टेस्टी और मज़े की लग रही है, खाने में भी इतना ही टेस्ट और मज़ा देगी। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, मेरी रेसिपी को बनाइएगा, खाइएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। हमारा याद रखिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।